नमस्कार, नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, दिन शनिवार है, विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 21 नवंबर है, जो वर्ष का 325वां दिन होता है और साल में अभी 40 दिन बाकी हैं। 21 नवंबर के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो 1517 में दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी का आज ही के दिन निधन हुआ था और 1872 में कवि और स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बरहाट का आज ही के दिन जन्म हुआ। इसके साथ ही 1939 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का भी जन्मदिन है और साथ ही गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का जन्म आज ही के दिन 1941 में हुआ था और 1947 में स्वतंत्रता के बाद 3.5 आने कीमत का पहला भारतीय डाक टिकट जय हिंद जारी किया गया और आज ही के दिन 1962 में भारत चीन सीमा विवाद में चीन ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी और 1963 में केरल के थुम्बा क्षेत्र से पहला रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की आज ही के दिन से शुरुआत हुई। 1970 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सीवी रमन का आज ही के दिन निधन हुआ। उन्होंने लाइट स्केटरिंग के इफेक्ट की अहम खोज की थी फिजिक्स में, इसे उनके नाम पर रमन इफेक्ट कहा जाता है। उनकी इस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। 1954 में फिजिक्स में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। और आज के इतिहास में एक विशेष बात है, आपने गाने भी सुने होंगे, कभी न कभी किसी को वॉइस मैसेज भी भेजा होगा। आवाज़ रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डेड आवाज़ को सुनना आज भी बहुत ही सहज बात लगती है और ये सब आज ही के दिन संभव हो पाया था जब पहली बार आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुना गया। 1877 में थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया का पहला फोनोग्राफ बनाया था। इस फोनोग्राफ में आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता था और बाद में इसे सुना भी जा सकता था, लेकिन ये खोज एक प्री प्लान्ड खोज नहीं थी बल्कि एक एक्सीडेंटल खोज थी। दरअसल बल्ब का आविष्कार करने वाले एडिसन टेलीग्राफ और टेलीफोन से जुड़ी खोज कर रहे थे और वे मैसेज में पेपर टेप उतारने और फिर उन्हें टेलीग्राफ के जरिए भेजने वाली मशीन बना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी ही रिकॉर्ड की आवाज़ को दोबारा सुना। एडिसन ने मैरी हैड ए लिटिल लैब नर्सरी राइम गाई और उसने रिकॉर्ड करके दोबारा सुना। फोनोग्राफ आगे चलकर ग्रामोफोन के नाम से मशहूर हुआ। आइए रुक करते हैं आज के सकारात्मक सुर्खियों की ओर। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आईफोन निर्माता एप्पल बड़े स्तर पर भारत में कारोबार के लिए आया है। बेंगलुरु टेक समिट के 23वें सत्र के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान एप्पल की 9 ऑपरेटिंग यूनिट्स पुर्जा बाजार के साथ चीन से भारत में शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत कंपनियां एक वैकल्पिक जगह की तलाश कर रही हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत भविष्य में कम लागत और नवीन स्वास्थ्य देखभाल समाधान को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII की एशिया हेल्थ 2020 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने गरीब और कम विकसित देशों को कम कीमत पर COVID-19 के टीके उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में 2023-24 तक 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र CBG स्थापित करने के लिए 2,00,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस तरह से 900 संयंत्र लगाने की परियोजना का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। कोरोना वायरस के दौर में गर्भवती महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। हाल में ही एक स्टडी से पता लगा है कि COVID-19 पॉजिटिव माओं के बच्चों को कोरोना के गंभीर लक्षण होने की आशंका बेहद कम है। इतना ही नहीं, स्टडी में यह पता चला है कि केवल 3% मामलों में ही कोविड वायरस फीटस यानी गर्भाशय तक पहुंचता है। निजी बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी की सीमा अगले 15 साल की अवधि में बढ़ाकर मौजूदा 15% से बढ़ाकर 26% करने और गैर प्रवर्तक हिस्सेदारी मौजूदा 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव रखा गया है। बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन के बाद बड़ी कंपनियों और औद्योगिक घरानों को बैंकों का मालिक बनने की मंजूरी दी जा सकती है। वर्ष 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के करीब
40 साल बाद भारतीय कंपनियों के फिर से वाणिज्यिक बैंकिंग में उतरने की जमीन तैयार हो गई है। ऐसी स्थिति में सबसे आगे महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फाइनेंस प्रमुख दावेदार होंगे, जबकि पेटीएम जैसी पेमेंट बैंक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद गिरावट की दर घटाकर 10.6% कर दी है। मूडीज के अनुसार पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित प्रोत्साहन के कदमों का मकसद भारत के विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और रोजगार का सृजन करना है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे में निवेश, ऋण उपलब्धता और तनावग्रस्त क्षेत्रों में मदद पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। मूडीज के एक बयान में कहा गया है कि इन उपायों का हमारे वृद्धि पूर्वानुमानों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और अर्थव्यवस्था से एक और खबर है कि देश का फॉरेंसिक रिजर्व फिर एक नई रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कल यानी शुक्रवार को जारी हुए इस आंकड़े के मुताबिक 13 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 4.277 अरब डॉलर उछलकर 5,572.771 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पहले 6 नवंबर को सप्ताह में यह 7.779 अरब डॉलर उछलकर 568.494 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक पहली बार 9 जून 2020 को समाप्त हुए सप्ताह में फॉरेंसिक रिजर्व 500 अरब डॉलर के पार पहुंचा था। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।